बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग, दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, ए बी फाइव टाइप मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विद द फाइव बॉन्ड पेयर्स। व्हेन देयर आर फाइव बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, देन दीज अरेंज एट मैक्सिमम डिस्टेंस to keep the repulsion minimum. This is the theme of the Vesper theory. Shape of molecule is trigonal bipyramidal. ये shape बन जाएगी, जैसे for example ये PCl5 है तो इसमें पांच bond बनाए हुए हैं phosphorus ने, एक ये आ गया, तो इसमें ये जो Cl हैं और ये Cl, ये axial Cl कहलाते हैं, ये मैंने साथ लिख भी दिया है, ये भी Cl equatorial है, ये भी equatorial है, और ये Cl जो दरमियान में आ जाएगा ये भी equatorial Cl है, ये equatorial है। तो ये trigonal bipyramidal किस तरह है कि इसमें जो कोई भी दो आप छुपा लें तो एक पैरामिड बन जाती है, ये जो छुपा लें पैरामिड बन जाएगी, तो ये bipyramidal शेप बन जाती है, trigonal है। इसमें अगर आप बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल इसमें वेरी करते हैं, इसमें एक्सियल एक्सियल बॉन्ड एंगल, इस सीएल और इस सीएल के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है ये 180 का बनेगा, और इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो है ये 90 का, ये एक्सियल है ये इक्वेटोरियल है, ये 90 के एंगल पे हैं, और इसमें इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो है ये इक्वेटोरियल है और ये भी इक्वेटोरियल है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का है, तो ये तीनों डिफरेंट है। इसको आप एक्सपेरिमेंट इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स एंड आर शॉर्टर देन द एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स एंड दीज इक्वेटोरियल सीएल एटम्स आर डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिकॉज दीज हैव डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स एंड डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इनकी इक्वेटोरियल की बॉन्ड भी शॉर्टर है, बॉन्ड लेंथ कम है, और इनका बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट है, इसलिए इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली बाई द एक्सरेज एट्सेट्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइप्स ऑफ ए बी फाइव टाइप मालिक्यूल्स, इसकी आगे टाइप्स हैं, ए बी फाइव टाइप मालिक्यूल्स विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ए बी फोर एल टाइप ही ने कह सकते हैं। तो व्हेन देयर आर फोर बॉन्ड पेयर्स एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, देन दीज अरेंज एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप द रिपल्शन मिनिमम। तो शेप ऑफ मालिक्यूल इज इरेगुलर टेट्राहेड्रल आर सी सा, तो इरेगुलर टेट्राहेड्रल शेप बन जाती है। लोन पेयर इज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, आमतौर पर एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाता है, ये आगे हम देते हैं इसकी मिसाल। ड्यू टू इट्स रिपल्शन शेप इज डिस्टॉर्टेड, जो शेप है वो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल शेप से डिफरेंट हो जाएगी, इज डिस्टॉर्टेड बाई इज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल, ये बाई पैरामिडल ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, तो शेप इज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल फ्राम ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, उस तरह की शेप नहीं रहती, तो थोड़ी सी वो डिफरेंट हो जाएगी, इरेगुलर टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी। जैसे ये एस एफ फोर है, टी सी एल फोर है, तो सल्फर के आखिरी शेल में होते हैं छः इलेक्ट्रॉन, छठे ग्रुप में है ये, तो चार इसने बाड बना लिए तो एक लोन पेयर की। इसी तरह टिलोरियम भी छठे ग्रुप में है, तो चार बाड बना लिए तो एक इसके पास लोन पेयर है, तो ये S है तो ये फ्लोरीन, ये F आ गया, ये भी F आ गया, और ये F, तो ये इक्वेटोर पे आपने लोन पेयर दिखा दिया, तो ये इरेगुलर टेट्राहेड्रल शक्ल बनेगी, इसको सी सा शेप भी कह सकते हैं। छठे ग्रुप के अंदर है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम और पोलोनियम। ए बी फाइव टाइप मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स विद द टू लोन पेयर्स एंड टू बॉन्ड पेयर्स। ए बी फाइव टाइप मालिक्यूल्स क्या हैं, जिसमें तीन लोन पेयर हो जाएँ, दो बॉन्ड पेयर हो जाएँ, यानी ए बी फाइव टाइप मालिक्यूल्स विद द टू लोन पेयर, वो था विद वन लोन पेयर, तो ये टू लोन पेयर। ए बी थ्री एल टू टाइप मालिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं, एल का मतलब लोन पेयर्स, तो व्हेन देयर आर थ्री बॉन्ड पेयर्स एंड टू लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, तो देन दे अरेंज एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप द रिपल्शन मिनिमम। शेप ऑफ मालिक्यूल इज टी शेप, फॉर एग्जाम्पल सी एल एफ थ्री है, सी एल जो है इसके आखिरी शेल में सात इलेक्ट्रॉन है, तीन इसने बॉन्ड बना लिए तो बाकी दो पेयर की शक्ल में बच जाते हैं। बी आर एफ थ्री है, तो ब्रोमीन के आखिरी शेल में सात इलेक्ट्रॉन हैं, तीन इसने एफ के साथ बॉन्ड बना लिए तो बाकी दो पेयर की शक्ल में दो लोन पेयर रह जाते हैं। तो इसको आप इस तरह अरेंज करेंगे, ये सी एल, ये एफ थ्री, ये एफ आ गया, ये एफ आ गया, और इक्वेटोर के ऊपर आप दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स से यही पता चलता है। तो ये जो शक्ल बनती है ये टी, जिस तरह अंग्रेजी का हर्फ टी है, तो ये टी शेप कहलाएगी। इसमें
एक्सियल एक्सियल, ये एक्सियल फ्लोरीन है, ये भी एक्सियल है, ये एक्वाटोरियल एफ है, तो ये एक्वाटोरियल एक्वाटोर के ऊपर लोन पेयर है, ये भी एक्वाटोर के ऊपर लोन पेयर है। एक्सियल एक्सियल बॉन्ड एंगल जो है इसमें एफ और एफ का ये 180 का है, और इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल बॉन्ड एंगल जो है ये, बल्कि ये एक्सियल इक्वाटोरियल है। एक्सियल इक्वाटोरियल बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 90, ये 90 डिग्री का है, और ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे ये 180 डिग्री का है, जिस तरह से हमने इस शेप में पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें ये 180 का है, ये 90 का है, और ये जो है ये 120 का है, जो इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। ये तो था वेस्पर थ्योरी और इसकी आगे एप्लीकेशन है। AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।